पुष्पा नाम सुनकर के फ्लावर समझे हो क्या? तूफान है मैं बवंडर बवंडर। तो दोस्तों फाइनली फ्री फायर वालों ने यार पुष्पा 2 के साथ कोलैब कर लिया है और आप सभी के लिए बहुत तगड़े तगड़े रिवॉर्ड्स यहां पे डिजाइन किए गए हैं। अगर मैं तुम सभी को कहूं कि ये इमोट तुम सभी को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? तो दोस्तों गरेना फ्री फायर वालों ने बहुत तगड़े तगड़े रिवॉर्ड डिजाइन किए गए पुष्पा 2 के थीम पे और उनमें से बहुत तगड़े तगड़े रिवॉर्ड तुम सभी को बिल्कुल फ्री में भी मिलने वाले हैं। खाओ माँ कसम। और दोस्तों साथ ही हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपनी OB47 अपडेट के बारे में। OB47 के दौरान आप सभी को एक न्यू कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है जिसका कि कैरेक्टर स्किल का आज हम टेस्ट करने वाले। आखिर इसकी कैरेक्टर स्किल क्या है भाई, क्या इसका यूज होने वाला है? काफी हैकर जैसी कैरेक्टर स्किल होने वाले भाई, जिसे देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। और अपनी सर्दी भी आ चुकी है और OB47 अपडेट के दौरान आप सभी को अपना विंटरलैंड इवेंट देखने को मिलने वाला है और विंटरलैंड के थीम पे भाई बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें अपनी गेम के अंदर आने वाली। इस बार भाई तहलका मचने वाला अपने फ्री फायर गेम के अंदर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते स्टार्ट। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बार तुम सभी को यार विंटरलैंड में बहुत मजा आने वाला। लिटरली तुम सभी को अपनी गेम के अंदर एक नया मोड देखने को मिलने वाला है जिसमें तुम सभी को अपनी गेम के मैप के अंदर बर्फ देखने को मिलने वाली है और हो सकता है पुरानी वाली लॉबी तुम सभी को देखने को मिल जाए। देख रहे हो एक बार विंटरलैंड की जो लॉबी कुछ इस टाइप से हुई थी भाई, और अपना जो बरमुदा मैप था पूरा का पूरा बर्फ से मतलब व्हाइट ही व्हाइट हो गया था। तो इस बार भी आप सभी को एक स्पेशल मोड देखने को मिलने वाला जहां आपके बरमुदा मैप पे एकदम बर्फ गिरने वाले, बर्फीला मैप होने वाला, एकदम मजा आ जाएगा भाई। और भाई मैं तो अपने पुराने उन दिनों को यार बहुत ज्यादा मिस करता हूं भाई। उस टाइम विंटरलैंड की जो लॉबी आई थी दोबारा से तुम सभी को लॉबी देखने को मिलने वाली पहले की जैसी लॉबी भाई, जहां पे तुम सभी को एकदम बड़ी लॉबी एक बोर्ड रहता है जहां पे भाई प्लेयर्स का नाम लिखा रहता है भाई। ये लॉबी यार हर किसी को पसंद है। अभी जो लॉबी आती है मतलब छोटी सी लॉबी उसमें मजा नहीं आता है। पहले की लॉबी कैसे होती थी भाई, एकदम मजेदार लॉबी भाई। यहां पे देख रहे हो विंटरलैंड की लॉबी है भाई, और इस विंटरलैंड की लॉबी में पहले हमने जो मजे करे ना भाई, वो मजे लिटरली अभी दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं भाई। किसी भी हाल में पॉसिबल है ही नहीं वो वाले मजे भाई। यहां पे लॉबी प्लांट्स कैसे लगाते थे भाई हम, भाई उस टाइम लॉबी प्लांट्स में हम सभी को डायमंड्स मिला करते थे, अलग ही मजा आता था, नेक्स्ट लेवल मजा आता था। लेकिन इस बार की नई लॉबी भी बनने वाली, तुम सभी को विंटरलैंड के थीम पे लॉबी देखने को मिलेगी, लेकिन पुरानी वाली वो बात नहीं रहेगी। बर्फ गिरेगी अपने बरमुदा मैप पे, लेकिन वहां पे जो अपना पीक है ना भाई वो पुराना वाला पीक नहीं रहेगा। तो वो वाला मजा नहीं आएगा भाई जो पहले आता था भाई, अपना ब्रोकन हाउस भाई, वो चीज अलग ही थी, वो फील अलग ही था। लेकिन चलो फिर से अपना बर्फ गिरेगी बरमुदा मैप पे, और लिटरली भाई इस बार मजा आने वाला अपने विंटरलैंड पे। विंटरलैंड का इवेंट भी आने वाला, बहुत तगड़े तगड़े रिवॉर्ड्स भी आने वाले जो कि मैं बता दूंगा। स्पेशल विंटरलैंड का एक अलग वीडियो बनेगा, उसमें भाई विंटरलैंड का इवेंट और उसके जो रिवॉर्ड्स मैं तुमको बताऊंगा ना, एकदम मजा आ जाएगा भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सभी को बता दूं एक ऐसी ट्रिक, अगर तुम सभी को बिल्कुल फ्री में रिडीम कोड चाहिए तो सिंपल से तुम सभी को कुछ नहीं करना भाई, तगड़ी ट्रिक है, इससे तुम सभी को बिल्कुल फ्री में रिडीम कोड मिल जाएगा। सिंपल से तुम सभी को करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में तुम सभी को एक ऐप की लिंक मिलेगी। सिंपल से आप पहुंच जाओगे प्ले स्टोर पे, इसको इजीली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करना बड़ी बात नहीं, सिंपल से आप सभी को लॉग इन कर लेना है, गूगल से करो नंबर से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मर्जी लॉग इन करो। लॉग इन करने के साथ साथ आप सभी का सिंपल से यार ये ओपन हो जाएगा और यहां पर तुम्हें दिखेगा ₹50 के रिडीम कोड का ऑप्शन। तो यहां पर सिंपल से क्या तुमको ये जेम्स क्लेम करने हैं, जिसके बदले तुम सभी को ₹50 का जो है रिडीम कोड इजीली मिल जाएगा। जैसे तुम ये सारे के सारे जेम्स क्लेम कर लोगे तो इजीली तुम यहां से ₹50 का रिडीम कोड ले पाओगे और सिंपल से इसको कॉपी करके आप इजीली रिडीम कर पाओगे। इसके अलावा तुम सभी को यहां पे एक स्ट्रीक देखने को मिलेगी, 7 दिन तक लगातार लॉग इन करना है और तुम सभी को ₹70 का रिडीम कोड अलग से मिल जाएगा। तो अभी के टाइम पे सिर्फ एक यही एप्लीकेशन है जो फ्री में रिडीम कोड बांट रही है, तुमको रिडीम कोड लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ। तो यार बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो यार आप सभी को अपना नया इवो बंडल भी देखने को मिलने वाला OB47 अपडेट का। तो भाई ये देखो तगड़ा सा इवो बंडल आने वाला है जिसका कि यहां पे जो क्लिप निकल के आ चुका है, इसका एनिमेशन वगैरह देख लो भाई, अलग ही है, एकदम विंटरलैंड के थीम पे ये डिजाइन किया गया है।
और इसका जो एनिमेशन है यहाँ पर जो है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस टाइप से होने वाला है। यहाँ पर देख रहे हो भाई लुक चेंजर भी इसमें आने वाला, आप सभी को बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें देखने को मिलने वाली। काफी तगड़ा ये इवो बंडल होने वाला है इस बार का। लिटरली देख रहे हो तुम लोगों को ललचाने के लिए कितना तगड़ा तगड़ा एनिमेशन इसमें डाला गया है। लेकिन जैसे आप इन बंडल्स वगैरह को निकालते हैं ना भाई, गेम के अंदर वो एनिमेशन गायब ही हो जाते हैं भाई। निकालने के बाद वो एनिमेशन तुमको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। ये चीज मेरे को गरेना वालों की समझ नहीं आती है भाई। जब हम उसको निकाल नहीं पाते हैं तो भाई क्या एनिमेशन दिखाता, जब लोग लक रॉयल में वो आता है भाई इवेंट में आता है क्या ही एनिमेशन दिखाता, देख रहे हो। लेकिन जैसे हम इसको निकाल लेते हैं भाई उसके बाद भाई वॉलेट सेक्शन में वो एनिमेशन नहीं दिखता है भाई। और ये एंट्री एनिमेशन देखो तगड़ी वाली विंटरलैंड की आप सभी को इस बार देखने को मिलने वाली, वो भी 47 अपडेट में। बर्फ को गोला आएगा एकदम ग्रुप में चल के और उसके बाद निकलेगा तुम्हारा कैरेक्टर बाहर, ऐसे करके जाओगे तुम लॉबी में, देख रहे हो भाई एकदम तगड़ा सिस्टम होने वाला भाई। ये वाला एंट्री एनिमेशन लिटरली खतरनाक है। जैसे कोई ग्रुप में बुलाएगा बर्फ का गोला चल के आएगा और भाई तुम लोग बर्फ का गोला फाड़ के ग्रुप में एंट्री करने वालों भाई। क्या क्या चीजें ला रहे गरेना वाले, नए नए आइडिया कहां से आते हैं भाई। बाकी यहाँ पे टुक टुक का स्किन बनाया है, ज्यादा खास नहीं है ये, ओबी 47 अपडेट के लिए बनाया गया है, उतना खास मेरे को नहीं लगा है। बाकी गाड़ी की स्किन यहाँ पे देखो, ये वाली गाड़ी की स्किन तुम सभी को देखने को मिलेगी ओबी 47 अपडेट में। इसके अलावा बहुत तगड़े तगड़े डिजाइन किए गए व्हीकल्स के, मतलब तगड़े नहीं थीम पेज पे डिजाइन किए गए हैं, कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के लिए डिजाइन किए गए। ये वाली स्किन देखो भाई कैसी लगी तुमको कमेंट में जरूर बताना भाई। ठीक ही ठाक है, ज्यादा मतलब तगड़ी भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, पूरी येलो येलो बनाई है। जीप की स्किन तो काफी बकवास है भाई, काफी बकवास डिजाइन किया गया है, थोड़ा बहुत थीम पे डाला गया कुछ भी। ये इवेंट का भाई ये बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ये वाला जो स्किन तुम देख रहे हो ना भाई, ये आई थिंक कौन सा इवेंट आने वाला अभी उसी इवेंट में फ्री में देखने को मिलेगी। बाकी ये लेजेंडरी रिवॉर्ड होने वाले कुछ इवेंट के। बाइक की स्किन देख रहे हो तगड़ी स्किन बनने वाली है और साथ ही सेम थीम पे डिजाइन किया गया मॉन्स्टर का स्किन। दोनों एक ही इवेंट के आइटम्स है जो तुम सभी को किसी इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और जहां पे ओवी 47 अपडेट की बात चल रही है तो आपको एक नई गाड़ी भी देखने को मिलने वाली अपनी गेम के अंदर में। तो भाई इस सब का रिव्यू भाई तुम सभी को एडवांस सर्वर के अंदर देखने को मिलने वाला है। एडवांस सर्वर के अंदर एक गाड़ी चलने वाली, मजा आएगा इस गाड़ी की भी मजे लेने वाले हैं। आई थिंक 15 तारीख को एडवांस सर्वर खुल जाएगा तो उसमें इस गाड़ी के पूरे मजे लिए जाएंगे। बाकी कैरेक्टर स्किल में तुम सभी को अभी बता सकता हूं भाई जो नया कैरेक्टर है इसकी स्किल क्या होने वाली है। बात करते हैं भाई अपने न्यू कैरेक्टर की स्किल के बारे में, तो पढ़ लेते हैं यहां पे तुम्हारा भाई काफी पढ़ा लिखा है। एक्टिवेट द ऑरा पावर ऑफ 30 सेकंड टू हाईलाइट एनिमी एंड शो एनिमी लोकेशन विद इन 20 मीटर। तो 20 मीटर के दायरे में तुम सभी को ये एनिमी की लोकेशन बता देगा एकदम हाईलाइट, ऐसे जैसे दिख रहे हो हैकर टाइप का एकदम दिख रहा है कि भाई मैं हैकर हूं भाई, ऐसे तुम सभी को एनिमी दिख जाएंगे। और भाई देख रहे हो मजा आ जाएगा भाई, मतलब देख रहे हो एनिमी की लोकेशन कैसे तुम सभी को दिख रही है, दीवार के पीछे होंगे वहां पे भी तुम सभी को दिख जाएंगे, तुम्हारी मूवमेंट स्पीड भी एकदम से बढ़ जाएगी भाई। और एनिमी जहां कहीं छुपा होगा भाई वो एकदम तुमको दिखता रहेगा, ऐसा हाईलाइट होके दिखता रहेगा, दीवार के पीछे भी दिखता रहेगा पूरी लोकेशन। 30 सेकंड तक ये क्रियाकलाप चलने वाला है भाई इस कैरेक्टर का। बाकी तुम लोग मेरे को बताओ यार कैरेक्टर तुम सभी को कैसा लगा, क्या तुम इस कैरेक्टर का यूज करने वाले हो। और अब बात करते हैं भाई अपने पुष्पा 2 के बारे में। भाई फ्री फायर वालों ने जो कोलैब किया पुष्पा 2 के साथ में, कल ही फ्री फायर वालों ने यार उसका एक ट्रेलर लॉन्च किया अपने इंस्टाग्राम पे जो कि स्टार्टिंग में मैंने डाल रखा है। अब बात करते हैं क्या क्या रिवॉर्ड्स यहाँ पे गरेना वालों ने बनाए हैं पुष्पा के थीम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक मॉन्स्टर ट्रक का स्किन बनाया गया, आगे लिखा है पुष्पा राज और पीछे लिखा है फ्लावर नहीं फायर रूम है। तो भाई ये मॉन्स्टर ट्रक का स्किन जो है तुम सभी को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। सिंपल से तुम सभी को गेम के अंदर कुछ मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे और इजीली तुम सभी को मॉन्स्टर ट्रक का स्किन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और पुष्पा के स्टाइल का यहाँ पे इमोट भी बनाया जा रहा है। तो पुष्पा 2 में जो स्टाइल क्या होगा उसका एक इमोट का जो है वीडियो क्लिप डाला गया था लेकिन फिर से उसे डिलीट कर दिया गया। यहाँ पे देखो ये पुष्पा 2 मूवी एक्शन आई थिंक होने वाला है, तो भाई इसका ये इमोट तुम सभी को देखने को मिलेगा अपनी गेम के अंदर में। और मे बी पुष्पा 1 वाला जो है झुकेगा नहीं साला वाला इमोट भी तुम सभी को अपनी गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो दो इमोट डिजाइन किए जाने वाले हैं, दो इमोट तुम सभी को अपनी गेम के अंदर देखने को मिलेंगे जिनमें से एक इमोट को ऐसा भी तुमको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा ग्लूवल की स्किन भी डिजाइन की गई है पुष्पा के थीम पे। तो यहां पे स्क्रीन पे देखो ये ग्लूवल की स्किन है और जैसे अपना एडवांस सर्वर आएगा तो फाइल के अंदर सारे के सारे आइटम्स ऐड हो जाएंगे। बाकी जितने सारे आइटम्स होंगे तुम्हारा भाई तुमको सब कुछ बता देगा क्या-क्या यहां पे डिजाइन किया गया, क्या-क्या गरेना वालों ने फाइल के अंदर ऐड किया है। तो भाई सब्सक्राइब के रख लेना एडवांस में, तुम्हारा भाई तुमको सब कुछ बता देगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार जय हिंद दोस्तों।